Your wife Yes, my has lord. IR and initiated proceeding against you and your parents. Is there Yes, any my possibility of compromise between you and your wife? मेरी जो वाइफ है सुची वो 17 अक्टूबर 2021 को इंडिया वापस गई थी. हम लोग यूरोप में रहते थे. उसके बाद 8 नवंबर को उन्होंने कॉल किया मुझे कि अपने पेरेंट्स को कहो कि 80,000 रुपए मेरे बैंक में ट्रांसफर करें वरना मैं उन्हें जेल भिजवा दूंगी. फिर अगले साल 10 जनवरी को मैंने उनको लीगल नोटिस भेजा था जब वो इंडिया में ही गई थी अपने बहन की शादी के लिए. वो तो अक्टूबर में गई थी पिछले साल. तो 10 जनवरी को मैंने लीगल नोटिस भेजा तो 27 जनवरी को उन्होंने 498 का केस कर दिया मेरी सिस्टर के खिलाफ जिनसे वो कभी मिली भी नहीं है शादी के बाद, और मेरे माँ बाप के खिलाफ भी. और उन्होंने कोर्ट को ये बोला है कि उनकी जो वापिस की टिकट जब वो वापिस गई थी यूरोप से इंडिया वो भागी थी मुझसे, जबकि सच तो ये है कि टिकट मैंने कराई थी. मैं उसका प्रूफ भी दे सकता हूँ, उनकी टिकट मैंने बुक कराई थी. और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को यह कहा है कि उन्होंने लग्जमबर्ग में यूरोप में मेरे खिलाफ एक केस फाइल किया है, क्रिमिनल एफआईआर केस, जबकि मैं प्रूफ कर सकता हूँ ऐसा कोई केस नहीं है. वो मेरे पास उसका प्रूफ है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है लग्जमबर्ग का. और दूसरी और सबसे अहम बात यह है सर कि उन्होंने, मैं अमेजोन में नौकरी करता था यूएस में ही, तो उन्होंने मेरी मेरे बॉस को और मेरे सीईओ को और एचआर को इतने सारे ईमेल्स भेजे कि उन्होंने मुझे नौकरी से निकलवा दिया. उन्होंने मेरा पूरा करियर खराब कर दिया, मेरी पूरी इमेज खराब कर दी. और मेरा जो फायरिंग लेटर है वो भी आपको मिल सकता है, उसका प्रूफ है. मैंने अपने ऑनरेबल लॉयर को दिया है उसका प्रूफ, आप देख सकते हैं. तो मुझे बहुत डर लगता है कि क्योंकि जब वो मेरे साथ थी भी तब भी वो मुझे ऑलमोस्ट हर एक दो दिन में ये कहती थी कि मुझे इतना अमाउंट दो वरना मैं पुलिस के पास जाती हूँ. तो मुझे बहुत डर लगता है कि अगर वो अगर मेरे साथ रहेगी तो वो मुझे फिर से जेल जरूर भिजवाएगी. और दूसरी बात ये है कि ऐसा हमारे बीच में कुछ अभी है नहीं. वो हमेशा, उसका यही नेचर है हमेशा थ्रेटनिंग करने का, कुछ एक अमाउंट मांगने का और ये कहने का कि मेरी बात मानो, मुझे ये दो वरना मैं जा रही हूँ पुलिस के पास. उन्होंने मेरी सिस्टर और मेरे पूरी फैमिली के खिलाफ केस किया जिनसे वो कभी मिली तक नहीं है एक दिन भी शादी के बाद. ये 498 का झूठा दहेज वाला केस. इट्स शी नॉट वर्किंग, इट्स शी इज अ पीएचडी होल्डर सर, शी इज अ पीएचडी होल्डर, शी वाज वर्किंग इन पीएचडी इन मैनेजमेंट, एमबीए एंड पीएचडी. And she was working in Max Life Insurance in Jaipur before coming to Europe. And after going back to India, also she is working again in insurance sector. She is a PhD holder, sir. अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आप लोगों के बीच साथ रहने की और समझौते की संभावना है? सर, उन्होंने मुझे मेरी वाइफ ने मुझे हमेशा जब भी मैंने उनसे बात की है जब तक वो थी, उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा है कि मुझे, मैं तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ, इतने पैसे दो वरना मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी. और मुझे उन्होंने इतना झूठा केस भी फाइल किया है क्योंकि जिन्होंने जो उनसे कभी मिले ही नहीं है उनके खिलाफ उन्होंने दहेज केस फाइल किया है. और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो दहेज का केस है उन्होंने 3 महीने इंडिया जाने के बाद फाइल किया, वो रुकी. तो जब मैंने लीगल नोटिस भेजा तभी दहेज का केस फाइल हुआ. अगर वाकई में दहेज मांगा होता तो जब वो अक्टूबर में गई थी 2021 में तब फाइल करती ना. तो अच्छा, उनका ये एक्सटॉर्शन का माइंडसेट है सर, तो साथ में नहीं रह सकते नहीं, क्योंकि वो एक्सटॉर्ट करती है मुझे और मेरे परिवार को और जेल भिजवाना चाहती है. तो आप लोगों के एक यूनियन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, संभावना नहीं है? सर, मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है ये यूनियन होना, इसलिए नहीं है सर. ऐसा नहीं है कि कोई और वजह है. उनका ये जो नेचर है कि वो हमेशा पुलिस को इन्वॉल्व करती है हर चीज में और कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को जेल भिजवाऊंगी मैं, क्योंकि इंडिया में ऐसा कानून है कि जिसमें बिना सबूत के आप किसी लड़के पर और उसकी माँ भी एक बहुत
एक औरत की है, राइट, अच्छा ये उस पर आप बताइए केस कर सकते हैं। शादी के बाद आप लोग कितने दिन साथ रहे? चार सिर्फ 4 महीने, 4.5 महीने बस। महीने साथ रहे यूरोप हाँ, यूरोप में वो भी। में, भारत में हाँ, नहीं। नहीं। तो आपके लिहाज से अब यह है कि राजीनामे की कोई संभावना नहीं, साथ रहने की पॉसिबिलिटी नहीं है? नहीं है सर, क्योंकि क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि वो कभी भी मुझे जेल में पहुंचा सकती है, और मेरे पूरे परिवार को भी, और यस मेरी बहन के खिलाफ भी। उसने, मेरी बहन, जो छोटी बहन जो पढ़ाई कर रही थी अपनी मेडिकल की, उसके खिलाफ भी केस किया है, और वो, और उसका करियर भी उसने बर्बाद करने की कोशिश की है, क्योंकि वो डॉक्टर है। यस दैट इट इज हिज व्यू ओज दैट ही हैज पुट द डिवोर्स पिटीशन। नाउ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ यूनियन बिटवीन वेरी वेल, सो वी विल पार्टीज। कंटेस्ट। व्हाट कैन वी डू? वी वर रेडी, तो ठीक है, नाउ यू आर्गुमेंट। राइट, आई एम रेडी। यस, व्हाई यू आर थ्रेटनिंग, कंटिन्यूअसली थ्रेटनिंग योर हस्बैंड? सर देर इज नो थ्रेटनिंग लाइक दैट। मैं सिर्फ वहां से जिंदा लौट के आई हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे एक अंकल नेदरलैंड्स में रहते हैं, ही 76 ईयर्स ओल्ड। उन्हें मेरी कंडीशन के बारे में पता लगा। मुझे 50 यूरो दिए जाते थे, अपनी फैमिली को बताते थे कि सुच्ची को 500 दिए हैं मैंने, और वो मेरे से पैसे मांग रही है। मेरे पास वहाँ खाने पीने के पैसे नहीं होते थे। मेरे अंकल नेदरलैंड से लग्जमबर्ग, जो 76 ईयर्स की हैं, वो ड्राइव करके आए मेरे पास और वो मुझे पैसे दे के गए। और ये जो बात कह रहे हैं कि मैंने इंडिया आने के 3 महीने बाद क्यों FIR करी, अगर पहले से प्रॉब्लम थी मुझे, तो सर मैं कंटिन्यूअसली अप्रोच कर रही थी, फोन कर रही थी, मेल्स कर रही थी कि मुझसे बात तो करो एटलीस्ट। इनकी कंटिन्यूअसली डिमांड की वजह से ये लोगों ने सारे कम्युनिकेशन बंद कर दिए। आखिरकार मेरे पास जब कोई रास्ता ही नहीं बचा, सब तरीके से तैयार बात करने की कोशिश करने के बाद लास्ट में मुझे कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब ये आप दोनों की बात से लगता है कि आप लोगों का साथ रहना संभव नहीं है। तो मिस्टर खरे एंड मिस्टर चतुर्वेदी, यस, एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी वेदर दे कैन स्नैप देयर टाइज इन ए वेरी पीसफुल एंड एमिकेबल मैनर। सपोज इफ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीयूनियन, देन एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी टू स्नैप द वेज इन ए वेरी एमिकेबल एंड लॉट इज सजेस्टिंग सेपरेशन इन अ म्यूचुअल वे। यस, आई एम ओपन आई फॉर दैट थिंक ऑल्सो। After contesting for the years together in the court of law, No, no, I'm quite I acceptable. don't think This you is would quite get anything. acceptable. So it would Yes. be better to also go for Yes, yes. opt the other way for stepping The tight. parents are also present. We can directly talk to the parents also. Yes, they are also there, sir. Yes. Parents of the boy are also there. He is the father of the वाइफ। बिकॉज क्या है कि अगर आप लोग एफिल लिटिगेशन में रहेंगे यहां तो बरसों निकलेंगी, बरसों निकल जाए, 20 वर्ष, 25 वर्ष। आप क्या करते हैं मिस्टर त्रिवेदी? यस सर, मैं मर्चेंट नेवी में था सर, कैप्टन। अच्छा, रिटायर हो गया। मेरी वाइफ जो है एजुकेशन सेक्टर में थी, शी वाज असिस्टेंट प्रोफेसर। यस, हम लोगों ने, मैं रिलायंस में फिर शिपिंग डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा था। हां, वहां से रिटायरमेंट होने के बाद में, नाउ यू बोथ आर रिटायर्ड। नो, अभी वाइफ मैं फिर एक स्कूल को मैनेज कर रही हूँ, मैं उनको हेल्प करता हूँ। अच्छा, शी इज रनिंग स्कूल, शी इज हैविंग अ, मतलब शी इज अ स्मॉल स्कूल वी आर मैनेजिंग, अच्छा, बजट जो होता है गरीब बच्चों के लिए। आप क्या करते हैं? जी, मैं रिटायर्ड हूँ, पब्लिक सेक्टर में था। अच्छा, रिटायर्ड। आप देखिए, आज जो मुझे आप लोगों की बातों से हाथ लगा, ये बंद, अच्छा ठीक है, रहने दो, ये बाहर का टेलीकास्ट बंद कर देना, ये केवल इसको कनेक्ट रहने देना, ठीक है ना? बाहर का टेलीकास्ट बंद करिए, नहीं उसको लड़के को तो रखना, एथ पार्टी। अगर मैं देखिए, आज की जो रिपोर्ट लास्ट है, नहीं दैट्स ऑलराइट, देखिए जो भी चाहिए थी ना सर, गलत बोल रहे हैं। देखिए आपस में, देखिए ऐसा है, आपके एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस रहेंगे। नहीं, मेरा कहना यह है कि फिलहाल जो बातों से ऐसे लग रहा है कि आप लोगों का साथ रहना संभव नहीं, तो क्या आप लोग मिल बैठ के ऐसा कोई रास्ता निकाल सकते हैं कि आप लोग शांति से अलग हो जाएं? सर, मैंने शुरू से इनसे ग्रेसफुल सोल्यूशन के लिए बार बार कहा। ही इज नोन एज माई फ्रेंड ऑल्सो, हमारे दो फ्रेंड्स थे, दे टॉक्ड ऑन वीडियो कॉल, देन दे स्टॉप्ड टॉकिंग। इनके कोई रिलेटिव्स बात नहीं करना चाहते, ये खुद नहीं बात करना चाहते। नहीं नहीं देखिए, बात तो करनी पड़ेगी, ग्रेसफुल सोल्यूशन होना चाहिए बस। फुल सोल्यूशन सर हमने इनको बताया था, इसके बारे में बात भी हुई थी, बट ही इज नॉट रेडी। और
इनके दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शन भी है, मेरे को कहीं से पता लगे कि मेरी कोई बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है, मेरे को कहीं सोर्सेज से पता लगा, जो कि गलत है एब्सोल्युटली। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान हूँ सर, विथ मॉडरेट अर्निंग। देखिए इनकी जो रिक्वायरमेंट है ना वो मतलब बहुत हाई है, मैं मतलब नहीं नहीं देखिए ऐसा है नहीं आ सकता ना, ऐसा है देखिए आप दोनों को जमीन पर रहते हुए समझौता करना पड़ा जी, ठीक है ना। सामने वाले से अगर आप कोई ऐसी डिमांड करें कि वो फुलफिल करने के लिए सक्षम ही नहीं है तो वो कैसे करेगा सर। एग्जैक्टली हमने इनसे मित्रवत यही कहा कि भाई अब इस लड़की को सेटल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, शादी करते समय हम उसकी जिंदगी देखते हैं ना, वही इसको रहने में कम से कम एक कमरे का ऐसा मकान हो जिससे कोई निकाल ना सके, ठीक है, और कुछ मंथली उसको पैसा मिल सके, ऐसे कुछ एफडी जमा कर दे तो कुछ पैसा मिल सके उसको। आई नेवर सेट एनी अमाउंट ऑफ मनी एक लड़की को सेटल करने के लिए, और क्या करें इतने मेंटल ट्रॉमा में है वो, लगभग 3 साल होने वाले। कहाँ रहते हैं आप? मैं यही जबलपुर में रहता हूँ। जबलपुर में जी, तो भाई ठीक है, बच्ची के लिए देख लीजिए आप लोग आपस में बात करके कि कैसे। वी हैव मेड एन ऑफर 20 लाख वियर्ड ऑफर। हर आदमी की अपनी एक सीमाएं रहती हैं सर, अगर कोई कहेगा 1 करोड़ दे दो तो इट इज नॉट पॉसिबल। मैंने ये करा कि आपने कहा है, आप बता दें, वी आर प्लेसिंग एन ऑफर बिफोर सम गुड इन देयर प्रेजेंस, वी आर सेइंग दिस 20 लाख वी आर गिविंग एन ऑफर। सर मैंने इनसे यही कहा कि बताइए इसको रहने के लिए। अच्छा 1-2 BHK फ्लैट कितने बार है जबलपुर में बता दें, ये ऑनरेबल लोग हैं, ये लोग हैं पुराने, बता सकते हैं इसके आसपास 40 के आसपास 30-40 40 के आसपास 30-40 तक आ जाएगा। अच्छा दैट इज सफिशिएंट पर्याप्त टू सर्वाइव। देखिए देखिए ऐसा है, सामने वाले मिस्टर चतुर्वेदी अपने को सामने वाले की स्थिति देख लें, whether he is in position to pay or not. Sir, working in US. हाँ? He's working in US. I'm not working. I'm studying right now. इन्होंने मेरे जॉब में इतने सारे ईमेल्स भेजे ऑनरेबल माय लॉर्डशिप, इन्होंने मुझे नौकरी से निकलवा दिया, उन्होंने ईमेल्स भेजे मेरे सीईओ को, उन्होंने कहा कि मैंने अत्याचार किया है। इतना ईमेल्स का प्रूफ है, प्लीज प्लीज आप प्रूफ, मेरा फाइलिंग लेटर है, प्लीज लॉर्डशिप को दे दीजिए। फ्रॉम ही वाज वर्किंग फॉर Amazon, इतने मेल्स भेजे कि वो नौकरी से निकल। नहीं नहीं ठीक है, छोड़ दो उसको, और उसका लेटर भी है सर, वो लेटर है सर, कंपनी का लेटर है, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 20-25 ऊपर नीचे हो जाएगा। अब चलिए ठीक है, इसको देखिए थोड़ा आपस में, आप एक डेट लगाएं जब तक ये भी सोच ले। मिस्टर चतुर्वेदी, I'm just conveying. सर मान लेते हैं कि specified some crystallized some amount so that the court can, because they have crystallized, you also crystallized some amount. Yes. That's what I'm just. Sir, मैं एक बात बोलना चाहूँगी। सर 2.5 साल हो गए मुझे इंडिया आए हुए, मुझे आज तक मेरे हस्बैंड के whereabouts नहीं पता है। ना मेरे को पता है कौन सी जगह है, कौन सी कंपनी में है, क्या एड्रेस है, फोन नंबर है मेरा। अब आप पता है आपको, आपने ईमेल्स भेजे हैं सीधे मेरे कंपनी को, मेरे एचआर को, उसको भागना था वो भाग चुका है। सारे प्रॉब्लम्स ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को है, सिर्फ पावर लेके। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, प्रॉब्लम मुझे है, मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझे है। जैसे पहले पुराने जमाने में बहुएं सिंदूर जलाई जाती थी, ये मॉडर्न जमाने का खेल है सर, कि प्रॉब्लम मुझे है। मॉडर्न जमाने में आपने मेरी बहन और मेरी माँ पे जो झूठे केसेस किए, आपने प्रूफ दिया क्या, एक भी प्रूफ दहेज का, एक ये कह रहे हैं कि एक दिन में नहीं रही है, एक भी आपने प्रूफ दिया क्या ऑनरेबल लॉर्डशिप को बिना किसी प्रूफ के। देखिए ऐसा है, इनके डिफरेंसेस आर ऑन वेरी हाई लेवल, आई डोंट थिंक कि दे आर गोइंग टू आई कैन सेंस इट रिजॉल्व, दैट्स राइट, बिकॉज़ एंड सपोज इफ एनीवन कंपेल देम टू लिव टुगेदर, आई थिंक दैट चैप्टर अपीयर्स टू बी क्लोज, सो इट इज बेटर टू गो फॉर सम एमिकेबल, आई वाज जस्ट आस्किंग हिम दैट एमिकेबल एंड प्रॉपर सॉल्यूशन। या सो आई वाज जस्ट आस्किंग हिम दैट as my lord had asked that around 40 is the flat and whatever they can give for the FD, I can crystallize it just now, if they agree we'll resolve it, that's wonderful, because if my lord's initiative today itself, it 5 crore upar uske niche ka 20 ka aapne aapne mujhe diya hai 5 crore upar ho jayega,
हमको भी तो रहना है ना. इट्स नॉट दैट बिकॉज अ बॉय हैज गॉन फॉर दे हैव गॉन वी हैव एक्चुअली आई एम नॉट आर्ग्यूइंग इन दैट मैनर कि मैं उनका पक्ष ले रहा हूं उनका ले रहा हूं. नहीं नहीं अपने को किस सोसाइटी में लेना है अपने को तो इनको भी अपना जीवन निकालना उनको भी निकालना और इस उम्र में एक्चुअली देखिए ऐसा है बच्चा अभी नौकरी के बाहर है. अगर आप लोग कोर्ट में लड़ते रहेंगे तो किसी को कुछ नहीं हासिल होगा क्योंकि यहाँ 20 साल केस चलते रहते ठीक है. अभी के केस आपका ट्रायल कोर्ट में चलेगा फिर उसके बाद फर्स्ट अपीलेट कोर्ट एंड देन हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट. लड़ने वाले पूरा पूरा जितने भी फोरम है सबका उपयोग करते हैं. तो ऐसा है कि अगर एग्जॉर्बिटेंट रहेगी तो वी कंटेस्ट द मैटर. कभी आप दोनों फाट के हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं पड़ सकता जीवन का. भी घूमते रहेंगे वो भी घूमते रहेंगे. इसलिए बेहतर है कि एक इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आप लोग बैठ के निकाल लीजिए. मैंने जो बोला है आप जो जो फिगर आप बोल रहे हैं वो नहीं हो पाएगा दे स्टैंडिंग. मैं जानता हूँ कि दे नॉट बी एबल टू टू कर 40 लाख प्लस एमवीआर करे जीवन भर के लिए वो इट इज नॉट पॉसिबल सर. दीज आर एग्जॉर्बिटिंग डिमांड्स. आई एम नॉट सेइंग मैं नॉट फॉर दैट लेकिन एक रियल बात है सोसाइटी में मिडिल क्लास के बीच में आनी चाहिए. आई एम एब्सोल्युटली अग्रीड टू द फैक्ट दैट इज वन डोर इज नाउ शट द अदर इज दैट एमिकेबल in a way that they can be separated. That this is the only way because that is the reason I totally agree. If you settle this matter today, the reason I said today itself it can be settled. My friend is reasonable. After 20 years again you will come on the for compromise. There is no other solution. Look, sir, I am totally in agreement with everything except that there has to be a decent, respectable, reasonable survival. To the lady and what has the father said that just one shelter some amount for survival if there was some amount bhi bata dena sir some amount kya hai us amount ka pata lage get the time tab hum isse baat kar some amount bata de zara kya what is that some amount sahi to bata raha hu nahi yaar that aur some amount to bataye please mauka to dijiye batane sir mere ek nivedan hai mere ko aaj bahar bhi jana hai maine badi mushkil mein aaj ke liye rakhwaya tha ya to isko kisi aur din rakh le. But he had come to know that 40 lakhs is the value of a decent flat. And even half the amount is given for FD to survive. I can immediately agree to all the terms. Everything will be withdrawn. Everything will be sent today itself. So what is that amount? Half the flat amount. Half the flat amount. That's half, what I said. Half of the flat amount. That's do you mean in total 60? 60 lakhs. No, don't give me 60. Give me one flat and 20 lakhs FD. I'm not demanding all 60 lakh in cash. You can on your own purchase a 2 BHK. And FD of 20 lakhs. That's it. Absolutely reasonable. ठीक है इनका proposal है you consider it. देखते हैं सब बात कर लें. ठीक है I'll consider. Sir. मुझे दो बार इनके कहाँ बोलूंगी सर जाके तक बोला गया है. लड़का तो अमेरिका में बैठा है हो सकता है उसने दूसरी शादी कर ली हो वहाँ पे. आप अपना केस पीछे ले लो आप कॉम्प्रोमाइज कर लो वो तो जिंदगी जी रहा है अपनी मजे कर रहे हैं. बड़ा झूठ सबसे बड़ा झूठ ये है कि मैं वहाँ से भागी थी जबकि टिकट मैंने ही लड़के ने अमेरिका में शादी कर लेगा आपको क्या पता लगेगा. मेरी मेरी टिकट जो टिकट मैंने बुक कराई थी उससे वो आप इंडिया गए और आप कह रहे हैं कि आप बच के भागी हैं. अरे टू ब्लॉक अनिल खरे सर